सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दीयां मुख हैडलाइनस। किसान अंदोलन दौरान NIA वालों नोटिस भेजे जाने ते कैप्टन दी केंद्र नू चेतावनी। जी हां, किसानी अंदोलन दरमियान कैप्टन ने मोदी सरकार नू कीता सावधान, जे हथों निकल गए हालात तां इस दे नाल ही 19 जनवरी नू नहीं होवेगी सरकार ते किसानां विचाले मीटिंग, सरकार ने कीती रद्द। किसान अंदोलन दौरान NIA वालों नोटिस भेजे जाने ते भड़के भगवंत मान, दिता है वड्डा बयान। जी हां, दस दईए के पंजाब विच इस वर महीना चलेगी सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम रजिया सुल्ताना। जी हां, हाई कोर्ट दा आदेश, जे व्हाट्सएप नाल निजता भंग हुंदी है तां ऐप डिलीट कर देवो। 21 जनवरी तो पूर्ण तौर ते खोले जाणगे पंजाब दे कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां। इस दे नाल ही हुण गुरु घरां विच इस विधि राही तैयार कीते जाणगे लंगर, होणगे वड्डे फायदे। ट्रैक्टर मार्च बारे सुप्रीम कोर्ट दा झटका, की सरकार नूं दस दईए कि पुलिस कोल कीड़ियां शक्तियां हन। आओ जाण हां अज दी पहली वड्डी खबर। किसान अंदोलन दौरान NIA वालों नोटिस भेजे जाने ते कैप्टन दी केंद्र नू चेतावनी। जी हां, दस दईए कि खेती कानून दे विरोध विच चल रहे संघर्ष दौरान कई किसान आगुआं ते उनां दे हमायतियां नू कौमी जांच एजेंसी दे नोटिस जारी करन दी निंदा करदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार नू कहा कि ड्रोन धमकाउण वाले अजिहे हथ कंडे किसानां नू अपने हक्कां विच भविख दी लड़ाई लड़न लई लए गए अहद नू कमजोर नहीं कर सकदे। भाजपा दी अगवाई वाली केंद्र सरकार वल्लों शांतमई संघर्ष कर रहे किसानां दे कोल नू कमजोर करन लई अजिहियां दमनकारी ते निंदणयोग कारवाइयां दा सहारा लैण दी निखेधी करदिआं मुख्यमंत्री ने पुछिआ कि इह किसान वक्खवादी अते अत्तवादी जापदे हन। उन्हां केंद्र नू सावधान करदिआं कहा कि अजिहे होशे ढंग तरीके किसानां वल्लों लए गए अहद नू कमजोर करन दी बजाए उन्हां नू अपना रुख होर सख्त करन लई मजबूर करन। उन्नी जनवरी नू नहीं होवेगी सरकार ते किसानां विचाले मीटिंग, सरकार ने कीती रद्द। जी हां, दस दईए कि खेती कानूनां खिलाफ दिल्ली दीआं सरहद्दां ते किसान अंदोलन चल रहा है। इस दौरान सरकार ते केंद्र विचाले नौ गेड़ दी गल्लबात हो चुकी है जो बेनतीजा रही। हुण 19 जनवरी नू होण वाली मीटिंग मुलतवी कर दित्ती गई है जो 20 जनवरी नू होवेगी। संघर्ष दे तहत किसान लीडरां नाल केंद्र सरकार दी बैठक 19 जनवरी 2021 नू होनी सी, सरकार ने इस बैठक नू कुछ कारणा करके रद्द कर दिता। हुण इह बैठक 20 जनवरी 2021 नू बाद दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन नवी दिल्ली विच होवेगी। खेती अते किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी करके इह जानकारी दित्ती है। किसान अंदोलन दौरान NIA वालों नोटिस भेजे जाने ते भड़के भगवंत मान, दिता है वड्डा बयान। जी हां, दस दईए कि आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियां वालों किसानां ते उनां दी मदद करन वालियां संस्थावां नू भेजे जा रहे नोटिसां दी सख्त शब्दां विच निंदा करदे होए इस नू शर्मनाक करार दिता। सूबा प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा कि अज हक सच दी लड़ाई लड़ रहे किसान अंदोलन नू कुचलन लई केंद्रीय एजेंसियां दा इस्तेमाल करना अते निंदणयोग है। उन्हां कहा कि खेती नू बचाउण लई विड्डे अंदोलन विच समर्थन कर रहियां वख-वख सेवा सोसाइटियां संस्थावां ते पत्रकारां नू नोटिस भेजणा सरकार दा घटिया काम है। उन्हां कहा कि मोदी सरकार ने अड़ियल रवैये ते चलदे होए अंदोलन नू पहलां अत्तवादी खालिस्तानी पाकिस्तान चीन दे एजेंट दस के बदनाम करन दी कोशिश कीती। जदों इह चाला ना चलियां तां हुण अपने अधीन NIA वर्गियां एजेंसियां राहीं इस अंदोलन नू दबाउण दी चाल चल रही है।
पंजाब विच इस बार महीना चलेगी सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम रजिया सुल्ताना। जी हां, दस दईए कि सड़की सुरक्षा की महत्ता नूं समझदे आं, इस बार सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम एक सप्ताह की थां एक महीना चलेगी। इत्थे पंजाब भवन विखे उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं ते सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम का आगाज करदिआं ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने सड़कां नूं वधेरे सुरक्षित बनाउण ते जोर दिता। उन्हां दो पहिया वाहन चालकां नूं हैलमट पाउण, वाहनां नूं स्पीड लिमिट विच चलाउण ते सड़की नियमां दी पालना करन लई लोकां नूं जागरूक करन ते वी जोर दिता। सड़की सुरक्षा की महत्ता नूं समझदे इस बार सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम एक सप्ताह की थां एक महीना चलेगी। इत्थे पंजाब भवन विखे उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने सड़कां नूं वधेरे सुरक्षित बनाउण ते जोर दिता। हाई कोर्ट का आदेश, जे व्हाट्सएप नाल निजता भंग हुंदी है तां ऐप डिलीट कर देवो। जी हां, दस दईए कि व्हाट्सएप दी प्राइवेसी पॉलिसी नूं लैके दिल्ली हाई कोर्ट विच सुनवाई होई। पटिशनर ने अपील करदिआं कहा कि व्हाट्सएप दी नवीं नीति नाल निजता भंग हुंदी है, इस लई सरकार इस उत्ते छेती तों छेती कारवाई करे। पटिशनर दी मंग सुनन तों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करदिआं कहा कि इह प्राइवेट ऐप है, जे तुहाडी निजता प्रभावित हो रही है ता तुसी व्हाट्सएप डिलीट कर देवो। हाई कोर्ट ने इस मामले विच किसे भी तरह दा कोई नोटिस ना जारी करदिआं कहा कि इस उत्ते विस्तृत सुनवाई करन दी जरूरत है। हुण इस मामले दी सुनवाई 25 जनवरी नूं होवेगी। दस दईए कि पटिशनरां ने अदालत तों व्हाट्सएप दी नवीं निजता नीति विरुद्ध सख्त कारवाई करन दी मंग कीती। पटिशनर ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी राहीं प्राइवेट ऐप आम लोकां नाल जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी सांझी करना चाहुंदी है, जिस उत्ते तुरंत रोक लाउण दी जरूरत है। इक्की जनवरी तो पूर्ण तौर ते खोले जाणगे पंजाब दे कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां। जी हां, दस दईए कि पंजाब सरकार वल्लों समूह सरकारी अते प्राइवेट यूनिवर्सिटियां समेत सरकारी सहायता प्राप्त अते गैर सहायता प्राप्त कॉलेज निर्धारित दिशा निर्देशां तहत 21 जनवरी नूं मुड़ पूर्ण रूप विच खोलण दा फैसला लिया गया है। इस संबंधी उचेरी सिक्ख्या विभाग वल्लों सारियां सरकारी अते गैर सरकारी यूनिवर्सिटियां नूं पत्र जारी कर दिता गया है। पंजाब सरकार दे बुलारे ने इस संबंधी जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि सरकार वल्लों निर्धारित कीतीआं गईआं शर्तां अनुसार विद्यक संस्थावां वल्लों विद्यार्थियां दे हित नूं ध्यान विच रखदे होए ऑफलाइन अते ऑनलाइन दोनों माध्यम राहीं पढ़ाई करवाई जावे अते सेमेस्टर सलाना प्रीख्यावां ऑफलाइन माध्यम राहीं ही कंडक्ट करवाए जाण। इस दे नाल ही विद्यार्थियां नूं अपनी मर्जी मुताबिक क्लासां लाउण दी खुल्ल होवेगी अते उहनां ते क्लासां लगाउण संबंधी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। हुण गुरु घरां विच इस विधि राहीं तैयार कीते जाणगे लंगर। जी हां, दस दईए कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों इतिहासक गुरद्वारा साहिबान अंदर लंगर तैयार करन नाल जल्द ही भाफ विधि दी वरतों कीती जावेगी। इस कार्ज लई श्रोमणी कमेटी वल्लों राड़ा साहिब संप्रदा दा सहयोग लिया जा रहा है। श्रोमणी कमेटी दी बीते दिन अंतरिंग कमेटी दी इकत्रता विच इस बारे फैसला कीता गया सी अते हुण इस नूं लागू करन दी कारवाई आरंभी गई है। इस संबंध विच श्रोमणी कमेटी दी प्रधान बीबी जगीर कौर ने बाबा बलजिंदर सिंह राड़ा साहिब वालिया नाल इकत्रता करके विचार वटांदरा कीता। बीबी जगीर कौर ने दसिया कि मुढले तौर ते लंगर लई भाफ विधि दी वरतों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे लंगर श्री गुरु रामदास जी तों कीती जावेगी। इस मगरों होरना गुरद्वारा साहिबाना विच वी इस नूं लागू कीता जावेगा। ट्रैक्टर मार्च बारे सुप्रीम कोर्ट दा झटका, की सरकार नूं असीं दसीए कि पुलिस कोल केड़ियां शक्तियां हन। जी हां, दस दईए कि किसानां ते सरकार विचाले खेती कानूनां नूं लैके रेड़का जारी है। इस दौरान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मौके किसानां दी प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नाल जुड़ियां पटीशन उत्ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई टल गई। दरअसल चीफ जस्टिस नाल दो जज सन, ओह नवें सन ते उन्हां पिछली सुनवाई विच हिस्सा नहीं लिया सी। इहो कारण
है कि सुनवाई 20 जनवरी तक टाल दिता गया है। उन्हें सोमवार की संखेप सुनवाई दौरान भारत के चीफ जस्टिस ने कुछ वड्डियां गल्लां आखियां। उन्हें केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी करदिआं कहा कि केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेवारी है कि असीं दसीए कि तुहाडे कोल पुलिस कानून अधीन कीडियां शक्तियां हन ते तुहानूं की करना चाहीदा है। असीं नहीं दसांगे तां पुलिस नूं की करना चाहीदा है। जनता ते भाजपा सरकार ने भरिया खजाना। पेट्रोल ते डीजल ते रिकॉर्ड टैक्स तो एक्साइज ड्यूटी कलैक्शन 7वें आसमान ते। जी हां, दस दईए कि महामारी कारण तकरीबन हर तरह के टैक्स कलैक्शन विच कमी आई है, पर चालू वित्ती वरे दौरान एक्साइज ड्यूटी वसूली विच 48% का वाधा होया। इसका कारण डीजल ते पेट्रोल की एक्साइज रेट विच रिकॉर्ड वाधा है। कंपट्रोलर ते ऑडिटर जनरल तो हासिल अंकड़िया मुताबिक अप्रैल नवंबर 2020 दौरान एक्साइज ड्यूटी की उगराही 2019 की से म्याद 1,32,899 करोड़ रुपए तो वध के 1,96,342 करोड़ रुपए हो गई। एक्साइज ड्यूटी कलैक्शन विच यह वाधा मौजूदा वित्ती साल के 8 महीनों के दौरान डीजल की विक्री विच 1 करोड़ टन तो वध की कमी के बावजूद होया। डीजल भारत विच सब तो वध खपत होने वाला बालन है। पंजाब सरकार वालों ITI डिप्लोमा धारकों लई सुनहरी मौका। 547 असामियां ते हो रही है भर्ती। जी हां, दस दईए कि पंजाब सरकार वालों ITI डिप्लोमा धारकों लई सुनहरी मौका दिता गया है। ITI करन तो बाद भी जे तुसी बेरोजगार हो जा अपनी कंपनी जा नौकरी बदल के सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। ITI तो सिविल मकैनिकल ते आर्किटेक्चर विच डिप्लोमा धारकों लई यह एक वधिया नौकरी का मौका है। यह मौका तुहानू पंजाब विच मिलन जा रहा है, जिथे 547 असामियां ITI डिप्लोमा धारकों की भर्ती की जा रही है। पंजाब सुबार्डिनेट सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड ने ITI तो जूनियर ड्राफ्टमैन की सिविल मकैनिकल ते आर्किटेक्चर विच डिप्लोमा धारकों नू अपनी अधिकारित वैबसाइट उत्ते भर्ती करन लई ऑनलाइन अर्जियां मंगियां हन। दोस्तों, जे तुहानू यह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके के दस्यो, लाइक अते शेयर जरूर करियो अते साडे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। धन्यवाद।